चिल्ड्रन, आज आप लोगों का हिंदी का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोग आज के क्लास वर्क में सीखेंगे शब्दों को चित्रों से मिलाओ। इसके पहले पिछले क्लास में भी आप लोगों ने कुछ शब्दों को चित्रों से मिलाया था। आज के क्लास वर्क में मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ शब्दों को चित्रों से मिलाओ। तो यहाँ देखिए क्या बना लिखा है मैंने, एक ये बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये हिंदी की कॉपी में मैंने खुद से ड्रॉ किया है, और ये आप लोगों को भी अपने घर में बड़ों की मदद से इस चीज़ को कॉपी में बनाकर होमवर्क को सबमिट करेंगे, ये मैंने क्लास वर्क में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, एक दुर्गही से क्या बनता है, ईख। ईख से होता है गन्ना, केतारी, है ना, इंग्लिश में हम लोग उसको शुगर कैन भी कहते हैं। तो ईख से इस चित्र को हम लोग खोजेंगे कि ईख कहाँ है, चित्र में हम लोग खोजेंगे। देखिए दुर्गही है, दुर्गही से बना ईख, तो यहाँ पर ईख है, तो ईख को हम लोग इस ढंग से ईख से मिला देंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ है ए, ए से एक, एक यानी वन नंबर, है ना, तो वन नंबर तो आप लोग लिखना जानते ही हैं, तो यहाँ देखिए वन नंबर लिखा है मैंने, तो यहाँ एक को वन नंबर से इस ढंग से हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ है अंग, अंग से बनता है अंगूर, अंगूर भी आप लोग जानते हैं, इधर चित्र बना हुआ है अंगूर का, तो यहाँ अंगूर को इस ढंग से इस चित्र से मिला देंगे। तो इस तरह से आज आप लोग चित्रों के माध्यम से शब्दों को भी जाने और शब्दों के माध्यम से चित्रों को भी पहचाने। इस ढंग से शब्दों को चित्रों से मिलाओ। मैं फिर एक से एक बार रिपीट कर रही हूँ, यह है एक, एक को मैंने एक से मिला दिया, यहाँ मैंने एक लिखा है, एक मतलब वन, तो एक को मैंने यहाँ वन से मिला दिया। यहाँ है अंगूर, अंगूर यानी अंगूर, तो यहाँ अंग से अंगूर बनता है, तो यहाँ मैंने अंगूर से मिला दिया इसे। तो इस तरह से आज के क्लास वर्क में आप लोगों ने इस चीज़ को जाना, और इसी चीज़ को आप लोग अपने घर में बड़ों की मदद से बनाएंगे, होमवर्क को सबमिट करेंगे। ओके बच्चों, ये आप लोगों के कोर्स में ही आता है। बाय बाय।